डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीएल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज का अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और ये एलिमेंट्री कैनाल की जो संरचना अपन पढ़ने जा रहे हैं, उसका एक पर्पस है कि इसके बाद में अपन जो लेक्चर पढ़ेंगे, जो लेक्चर मैं दूंगा, जो अपन वीडियो बनाएंगे, वो बनाएंगे कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उनका कंपैरिजन पढ़ेंगे अपन। लेकिन उसका कंपैरिजन, एलिमेंट्री कैनाल का कंपैरिजन पढ़ने से पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि एलिमेंट्री कैनाल की संरचना कैसी होती है और वो अलग अलग क्लासेज में कैसी होती है। तो उस कंपैरिजन को पढ़ने के लिए, एलिमेंट्री कैनाल का कंपैरिजन पढ़ने के लिए या एलिमेंट्री कैनाल की संरचना का कंपैरिजन पढ़ने के लिए अपने को पहले ये जानना जरूरी है कि एलिमेंट्री कैनाल की संरचना कैसी होती है। तो आज अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल जो है वर्टिब्रेट्स में, उनमें क्या क्या डिफरेंसेज पाए जाते हैं, उनका कंपेरिजन पढ़ेंगे अपन। तो इसको शुरू करते हैं अपन संरचना में। पहली बात ये कि एलिमेंट्री कैनाल कार्य क्या करती है, एलिमेंट्री कैनाल क्या कार्य करती है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। एलिमेंट्री कैनाल की चार कार्य है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। सबसे पहले भोजन का अंतःकरण करती है, उसके बाद में भोजन का पाचन होता है, और उसके बाद में अब्सॉर्प्शन, भोजन का अवशोषण कैसे होता है, और उसके बाद में इजेशन, यानी जो पचा हुआ अर्धपचित भोजन है उसको बाहर निकालना, या पचित भोजन है अर्धपचित भोजन है उसको बाहर निकालना इजेशन कहलाता है। तो अंतर्ग्रहण है, पाचन है, और उसके बाद में अवशोषण, उसके बाद में भोजन का, अपचित भोजन का त्याग करना इजेशन कहलाता है। तो ये चार कार्य होते हैं इस एलिमेंट्री कैनाल के। अब इस एलिमेंट्री कैनाल की संरचना क्या है, संरचना में सबसे पहले अपन लेते हैं माउथ। सबसे पहले माउथ, एक नंबर पे माउथ क्या है, टर्मिनल जो छिद्र होता है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है वो क्या कराता है, माउथ कराता है। और अपन ने पीछे भी पढ़ा था कि एम्फियोक्सस के अंदर जो माउथ होता है वो एक छिद्र के रूप में होता है, जिसका नाम अपन ने दिया था एंटेरोस्टोम, एंटेरोस्टोम, जो कि विलम के आगे होता है। और इसी प्रकार से अपन ने पढ़ा था पेट्रोमाइजोन, तो पेट्रोमाइजोन में माउथ कहाँ था, जो अपन ने बक्कल फनल बताया था, एक बड़ी सारी संरचना बनाई थी बक्कल फनल, उस बक्कल फनल के अंदर जो छिद्र था बीचों बीच वो उसका माउथ। इसी तरीके से अपन फिशेज में अगर देखें और बाकी अन्य एम्फीबिया, एवीज, रेप्टाइल, स्विमर्स में देखें तो ये सबसे आगे का पोर्शन क्या कहलाता है, माउथ कहलाता है, जो कि ओरल केविटी में खुलता है। अपन फिशेज को देखें और रेप्टिलिया को देखें और एम्फीबिया को देखें, तो इनमें क्या होता है कि जो माउथ होता है वो सराउंडेड होता है किसके द्वारा, एपिथीलियम के द्वारा, और वहां की एपिथीलियम, माउथ के पास की जो एपिथीलियम है वो कॉर्निफाइड हो जाती है और वो उससे माउथ को घेरे रहती है। और इन तीनों के अंदर, फिशेज में, एम्फीबिया में और रेप्टाइल के अंदर, जो लिप्स भी इमूवेबल लिप्स होते हैं, लिप्स का मूवमेंट नहीं होता, तो इस प्रकार से ये माउथ है। सेकेंड आता है ओरल केविटी, ओरल केविटी, माउथ जिस गुहा में खुलता है वो क्या कहलाती है, ओरल केविटी। तो ओरल केविटी एक्चुअल में क्या, पैसेज है, एक मार्ग है, किसका, भोजन का मार्ग है, फूड का मार्ग है, या फिर जिन एनिमल्स के अंदर पानी के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, उनमें वाटर करंट का एक ये पैसेज है, वाटर करंट का पैसेज होता है ओरल केविटी, ठीक है। अगर अपन मेमल्स की बात करें तो मेमल्स में क्या, ओरल केविटी के अलावा एक वेस्टिबुल और पाई जाती है, वेस्टिबुल, वेस्टिबुल,
और वो किस में होती है? मेमल्स में। क्या होती है वेस्टिबुल? अपने जो टीथ होते हैं, और टीथ के बाद में लिप्स होते हैं। लिप्स और टीथ, टीथ के बीच में होठों के और दांतों के बीच का जो स्पेस है, जो कि चिक्स के द्वारा, गाल के द्वारा घिरा रहता है, वो क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल। और इसी वेस्टिब्यूल की वजह से मेमल्स के अंदर जो माउथ, जो जो माउथ है, जो ओरल कैविटी है, वो क्या है? चेविंग टाइप का है। मतलब यहाँ पे माउथ पार्ट्स बोल दीजिए, माउथ क्या होता है? चेविंग टाइप या सकिंग टाइप। तो जो अपन सक करते हैं, वो जो अपन चूसने का प्रक्रिया करते हैं, वो किसकी वजह से होती है? वेस्टिब्यूल की वजह से। तो ये इनमें एक वेरिएशन पाया जाता है। तो ये हो गया माउथ, उसके बाद में ओरल कैविटी। थर्ड आता है नेयर्स या नेजल शेक। नेजल शेक, नेजल शेक, नासा, नासा गुआ। और नासा गुआ जो होती है अपनी, वो बाहर जो छिद्र के द्वारा खुलती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेरिस, और जो अंदर जाकर के फेरिक्स में खुलते हैं उनको बोलते हैं इंटरनल नेरिस, अंतर्नासा छिद्र। और ये बाहर जो अपने को दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? बाह्य नासा छिद्र। अब इन बाह्य नासा छिद्र का और इनका कंपेरिजन देखिए, तो यहाँ पर देखिए, ये अपने जो डायग्राम बना रखा है वो फिश का बना रखा है, और ये डायग्राम बना रखा है वो एम्फीबिया का, आगे वाले पोर्शन का है, और ये हायर रेप्टाइल्स और मेमल्स का बना रखा है। तो फिशेज में देखिए, जो इंटरनल नेरिज है, एक्सटर्नल नेरिज है, वो किस में खुलते हैं? नेजल शेक में। लेकिन नेजल शेक आगे से क्या ब्लाइंड है, अंदर जाकर के ये फेरिक्स वाले पोर्शन में नहीं खुल रहा है। इसका मतलब ये ओरल कैविटी के और फेरिक्स के क्या है? इंडिपेंडेंट है। बाकी में आप देखेंगे तो ये देखिए बाह्य नासा छिद्र, ये नेजल शेक, और ये आकर के फेरिक्स वाले पोर्शन में खुलता है। यहाँ पर देखिए, ये बाह्य नासा छिद्र है जो किस में खुलते हैं? बड़ा सारा नेजल शेक है, और वो नेजल शेक आकर के फेरिक्स वाले पोर्शन में खुलता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर नासा छिद्र पाए जाते हैं। बर्ड्स में अपन देखे तो बर्ड्स में भी नासा छिद्र है, लेकिन यहाँ पे उनका जो स्पेस है वो बिल्कुल है, वो फेरिक्स के साथ में एकदम से कनेक्टेड होता है। तो इस प्रकार से इनके अंदर ये इस प्रकार से नासा छिद्र पाए जाते हैं। फिर आते हैं ओरल कैविटी के डेरिवेटिव, ठीक है, या एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन ऑफ ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी के अंदर और कौन कौन से जो एसेसरी ऑर्गन है? जैसे टीथ है, टंग है, टंग है, और ग्लैंड्स है। टीथ, एक तो एपिडर्मल टीथ होते हैं जो कि साइक्लोस्टोमेट्स में मिलते हैं, ठीक है, बर्ड्स में मिलते हैं, ये क्या है, प्रोटोकोडियस में मिलते हैं, तो ये एपिडर्मल टीथ है। और जो बोनी टीथ होते हैं वो जैसे एम्फीबिया है, ठीक है, रेप्टिलिया है, और फिशेज, इनमें ये बोनी टीथ होते हैं। अब इन टीथ की संरचना क्या होती है इनका? एक तो होते हैं पॉलीफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट, एक ही होते हैं होमोडोंट, और एक होते हैं एक्रोडोंट, एक्रोडोंट, ये टीथ है। पॉलीफायोडोंट टीथ का मतलब बार बार आना, गिर जाने के बाद में कई बार आते हैं, पॉलीफायोडोंट। होमोडोंट का मतलब सारे दांत एक जैसे होते हैं, होमोडोंट। एक्रोडोंट, एक्रोडोंट टीथ वो होते हैं जो मसूड़े के इस प्रकार से गम है और इसके किनारे पे लगते हैं, लगे रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? एक्रोडोंट। अगर अपन मेमल में देखें, मेमल्स में अगर अपन देखें तो पॉलीफायोडोंट की जगह क्या होता है? डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट। जीवन काल में दो ही बार आते हैं डाइफायोडोंट। होमोडोंट की जगह क्या होते हैं? हिट्रोडोंट, हिट्रोडोंट। हिट्रोडोंट में क्या होगा, दांत कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंसाइजर है, केनाइंस है, प्रीमोलर है और मोलर है, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार। एक्रोडोंट की जगह पर यहां पर क्या होगा? थीकोडोंट, थीकोडोंट। थीकोडोंट में क्या होगा? ये गम्स है और गम्स के बीचों बीच एकदम से लगा रहता है, मजबूती से वो चकड़ा रहता है दांत मसूड़ों के अंदर, तो उसको बोलते हैं थीकोडोंट। इसका अपोजिट क्या है? एक्रोडोंट। होमोडोंट का अपोजिट क्या है? हिट्रोडोंट। कई प्रकार के
एक ही प्रकार की, पॉलीफाइड्रेट बार बार आते, डाइफाइड्रेट है वो जीवन में दो ही बार आते। इसके बाद में लेते हैं टंग। अब अगर जीभ को अपन देखें तो सभी के अंदर जीभ पाई जाती है। फिशेज के अंदर अपन जीभ को देखते हैं तो केवल जो बक्कल केविटी की फर्श जो होती है, बक्कल केविटी का जो फर्श होता है उसके ऊपर चिपकी रहती है, और एक्चुअल में वो बक्कल केविटी का ही एलिवेशन होता है, नॉन मस्कुलर होता है वो। एम्फीबिया के अंदर भी इसी प्रकार से मस्कुलर होता है पूरा का पूरा, और एम्फीबिया की के अंदर एक विशेषता होती है जीभ की कि वो आगे वाले भाग से तो चिपकी रहती है, पीछे वाले भाग से फ्री रहती है। तो जब उसको इंसेक्ट को पकड़ना होता है तो जीभ को वो बाहर फेंक करके और इंसेक्ट को पकड़ करके अंदर लेके जाता है। इसी तरीके से रेप्टाइल्स में भी कईयों में जैसे कैमलियन वगैरह तो उनमें भी क्या होता है आगे से चिपकी होती है पीछे से फ्री होती है, बाकी मैक्सिमम रेप्टाइल्स में पीछे से चिपकी रहती है। स्नेक्स में अपन देखें तो जीभ है वो आगे से बाइफर्केटेड होती है। इसी प्रकार से मेमल्स जो है उसमें हाईली मस्कुलर होती है और भोजन का मेस्टिकेशन करती है, भोजन का परिचालन करती है, और जीभ के नीचे फ्रेनुलम पाया जाता है। मेमल्स में जीभ के नीचे एक झिल्लीनुमा संरचना है, अगर आप देखें तो उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। तो ये जीभ की संरचना है। उसके बाद में आती है ग्लैंड्स, तीसरा आता है ग्लैंड्स। तो यहाँ ग्लैंड्स को अपन ज़्यादा नहीं लेकर के जैसे फिशेज के अंदर म्यूकस एम्फीबिया में देखें तो म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, स्नेक्स में अपन देखें तो पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है, मेमल्स में देखें तो आगे वाले पोर्शन में क्या सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। तो माउथ वाला पोर्शन जो एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड जो ग्लैंड है वो तीन ही प्रकार की है, म्यूकस ग्लैंड है, पॉइजनस ग्लैंड जो स्नेक्स में पाई जाती है, और इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड है जो कि मेमल्स में पाई जाती है। एक्सेसरी ऑर्गन्स हो गए, और इसके बाद में अपन लेते हैं फेरिक्स। अब फेरिक्स क्या है कि ओरल केविटी के बाद का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, फेरिक्स। और फेरिक्स को अपन देखें तो वो केवल एक्टिव किस में होती है, फिशेज में होती है, क्योंकि गिल्स केवल किस में होते हैं, फिशेज के अंदर होते हैं। तो यहां पर जो फेरिक्स है वो काफी बड़ी होती है मछलियों के अंदर, और वो छिद्रित होती है, परफोरेटेड होती है फेरिक्स। बाकी जितने भी टेट्रापोड्स है, चतुष्पादी है, उनके अंदर है वो फेरिक्स है, वो एक तरीके से क्रॉस रोड भी होता है, केवल फूड मार्ग को और रेस्पिरेटरी मार्ग को वो सेपरेट करने का काम करता है फेरिक्स। तो बहुत ही रिड्यूस्ड फेरिक्स पाई जाती है। उसके बाद में आता है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस क्या है, फेरिक्स और स्टोमक को जोड़ने वाला, ये यहां पर अपन देखो ये आगे स्टोमक होगा तो ये इसको जोड़ने वाला पोर्शन क्या कहलाता है, इसोफेगस। तो ये आगे का पोर्शन इसोफेगस है। यहां पर अगर इसोफेगस को अपन देखें तो इसोफेगस की लंबाई, इसोफेगस क्या है, केवल भोजन को पार करने का ही एक संरचना है, ट्यूबुलर संरचना है, मस्कुलर संरचना है, कर्मकुंचन की गति होती है उसमें, पेरिस्टाल्सिस होता है जिससे भोजन वो आगे जाता है इसके द्वारा। और इसकी लंबाई डिपेंड करती है नेक के ऊपर, गर्दन की जितनी लंबाई होगी तो उसमें इसोफेगस है वो लंबी होगी। तो अपन फिशेज में और एम्फीबिया में देखें तो वो बहुत ही शॉर्ट है वो इसोफेगस होता है, एमनियोट्स में बड़ी होती है, और जैसे बर्ड्स है तो उनमें बहुत ही बड़ी इसोफेगस पाई जाती है। बर्ड्स में कुछ ऐसे बर्ड्स जो है केवल ग्रेन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, केवल वो अनाज के दाने खाते हैं, वहां पर इसोफेगस का पार्ट जो है कुछ है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोप में, जिसको गिजार्ड भी बोलते हैं अपन, वो क्रोप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से सभी के अंदर ये इसोफेगस पाई जाती है। और इसोफेगस के बाद में होता है स्टमक। तो स्टमक क्या है, इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, स्टमक। प्रोटोकोडेट्स में और साइक्लोस्टोमेट्स में ट्रू स्टोमक अब्सेंट होता है, किसमें, प्रोटोकोडेट्स में और साइक्लोस्टोमेट्स में इनमें क्या है, इनमें ट्रू स्टोमक अब्सेंट है। अब ट्रू स्टोमक क्या होता है, इसका मतलब ये थोड़ी इनमें डाइजेशन नहीं होगा। ट्रू स्टोमक का मतलब हुआ है कि जिसमें स्टोमक की जो एपिथेलियल लाइनिंग है उनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, तो उसको अपन ट्रू स्टोमक, वास्तविक स्टोमक बोलते हैं, वास्तविक आमाशय बोलते हैं उसको।
तो वो लाइन गैस्ट्रिक ग्लैंडिन के अंदर नहीं होती है। तो इस प्रकार से सभी बाकी में टेटापोड्स में सभी में वो इलास्मोब्रंकाई फिशेज में और टेट्रापोड्स में सभी के अंदर वो स्टमक है वो काफी विकसित होता है। पार्ट्स में पाया जाता है ये कईयों में, जैसे मेमल्स में कार्डियक पाइलोरिक फंडिक तीन भाग होते हैं, कार्डियो कार्डियक पाइलोरिक पाइलोरिक और फंडिक, ये तीन पोर्शन पाए जाते हैं किसमें मेमल्स में। इसी प्रकार से अपन अगर कर्ड चेविंग में देखें, कर्ड चेविंग एनिमल्स जो जुगाली करते हैं, जो जंतु जुगाली करते हैं उनमें स्टमक में चार पोर्शन होते हैं, जैसे रेटिकुलम होता है, पहला तो होता है रूमेन, रूमेन रूमेन रेटिकुलम, ओमासम ओमासम और अबोमेसम अबोमेसम। तो ये चार पार्ट जो जुगाली करते हैं उनके अंदर ये चार पार्ट पाए जाते हैं। और स्टमक के बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो डाइजेशन का काम भी करती है, अब्सॉर्प्शन का काम भी करती है, क्योंकि इसके अंदर खूब सारी विलाई पाई जाती है और लिबरकून लिबरकून्स ग्लैंड, लिबरकून की दरारें बोलते हैं उसको, लिबरकून्स की ग्लैंड्स भी पाई जाती है। तो ये डाइजेशन में भी काम करती है, डाइजेशन का काम भी करती है और अब्सॉर्प्शन का काम करती है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, ड्यूडिनम ड्यूडिनम, और आगे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, इलियम, ड्यूडिनम और इलियम। तो इस प्रकार से पाया जाता है सभी के अंदर। लेकिन मेमल्स में, मेमल्स में क्या होता है, मेमल्स में एक पोर्शन होता है, पहला पोर्शन क्या कहलाएगा, ड्यूडिनम, उसके बाद में होता है जेजुनम। डेडुनम वाला पोर्शन क्या काम करता है, हॉर्मोन सीक्रेट करने का काम करता है, जो कि अन्य ग्लैंड को एंजाइम स्राव करने के लिए प्रेरित करता है, ड्यूडिनम। और उसके बाद में जो टू फिफ्थ पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, जेजुनम। और जेजुनम के बाद में फिर क्या होता है, इलियम। तो ये तीन पोर्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। उसके बाद में जो लास्ट में आता है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन किसकी बनी होती है, कोलन और रेक्टम, ठीक है, कोलन और रेक्टम होता है जो कि बच्चे में पानी का अवशोषण करने का कार्य करती है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन बॉडी के बाहर खुलती है, देखिए फिशेज में, एम्फीबिया में, एम्फीबिया इनमें किसके द्वारा खुलती है, क्लोएका के द्वारा, क्लोएका के द्वारा। और इसी क्लोएका के अंदर क्या खुलता है, जिनाइटल डक्ट, जिनाइटल डक्ट और यूरिनो यूरिनल डक्ट भी इसमें आकर के, यूरिनल डक्ट। तो जिनाइटल और यूरिनल डक्ट दोनों आगे किसमें खुलती है, क्लोएका में। और ये क्लोएका एक अपर्चर के द्वारा, क्लोएकल अपर्चर के द्वारा बाहर खुलता है, किसमें, फिशेज में और एम्फीबिया में। अब अपन रेप्टिलिया की बात करें तो उनमें भी क्या, रेप्टिलिया में और बर्ड्स में, इनमें भी क्लोएका पाया जाता है, क्लोएका के वो भी अपर्चर के द्वारा बाहर खुलता है। मेमल्स में, मेमल्स में और बोनी फिशेज में, बोनी फिशेज में, मेमल्स बोनी फिशेज में और मोनोट्रिम्स में, मोनोट्रिम्स में, इनमें क्या पाया जाता है, एनस, एनएस के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल है बाहर खुलती है। यानी इन चार क्लास के अंदर क्लोएका के द्वारा बाहर खुलती है, क्लोएकल अपर्चर के द्वारा, और बाकी मेमल्स के अंदर है वो एनएस के द्वारा बाहर खुलती है। तो ये अपन ने एक संरचना बताई एलिमेंट्री कैनाल की। इसके बाद में अगर अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो लीवर जो है वो इनके अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो लीवर और पेंक्रियाज मिलता है। तो इनका सभी का एलिमेंट्री कैनाल की संरचना का और इसके बाद में डाइजेस्टिव ग्लैंड,
ये अपन ने पढ़ा, तो इनका अब कंपैरिजन अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। वैसे अपन ने आज एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा है, लेकिन साथ साथ में अपन ने कंपैरिजन भी पढ़ा है, लेकिन इसका एक और कंपैरिजन अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा कंपैरेटिव पार्ट पढ़ेंगे। आज अपन ने क्या पढ़ा है, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ऑल वर्टिब्रेट्स, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज और मेमल्स, उसमें अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आप पूरे के पूरे वीडियो को लगातार देखिए शुरू से लेकर के अंत तक, और यह भी कोशिश कीजिए कि वीडियो को आप क्रम से देखिए ताकि आपको आगे वाली चीजें समझ में आ जाए। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती आती है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, तीन बार देखिए, और फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स में जाकर के कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपका जवाब है वो अवश्य मिलेगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक भी कीजिए और अन्य स्टूडेंट्स को शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।